ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। होटल के गांव सेकसाई के सैकड़ों साल पुराने प्राचीन मंदिर लक्ष्मी नारायण के आमला एकादशी के मौके पर देश के कोने कोने से लाखों लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। इस मौके पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया गया। दर्शन करने आए लोगों ने कहा कि मंदिर में आने से होती है मुरादें पूरी। इस मेले में पुलिस की भी पुख्ता इंतजाम, वर्दी और सिविल में जगह जगह खड़ी हुई थी। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की एक अद्भुत प्रतिमा है। महिला और बच्चों ने मेले में जमकर खरीदारी की। बेलों का विशेष महत्व है। दिखाई दे रहा ये तालाब ये एक आम तालाब नहीं है, ये वह क्षीर सागर है जहाँ से भगवान लक्ष्मी नारायण की यह अद्भुत प्रतिमा निकली थी। इस क्षीर सागर का पानी हमेशा खारा रहता है। ये मंदिर के बिल्कुल सामने है। सबसे पहले जो इस मंदिर में आता है वह भगवान के दर्शन करने से पहले इस तालाब में हाथ मुंह धोना व स्नान आदि करते हैं। इस तालाब का विस्तार लगभग 36 किलोमीटर के बीच में बताया जाता है, लेकिन आज ये धीरे धीरे समय के अभाव में छोटा होता जा रहा है। मेरा नाम सुधा रानी है। सुधा रानी, ये बताइए कि जो आप यहाँ सेकसाई पर दर्शन करने आए हो आज, इसका क्या महत्व है और आपकी कैसी धारणा है मंदिर पर? जो लोग दर्शन करने आते हैं क्या उन लोगों की कैसी मन्नत पूरी होती है? कितना विश्वास है लोगों को यहाँ मंदिर के प्रति? हमें तो भैया खूब विश्वास है इनको और खूब मन्नत पूरी हो गए जो अपने दिल से धारे और खूब मनोकामना पूरी करे भगवान। मेला है, बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे लोग यहाँ हर साल आते हैं तो व्यास बड़ी मनाई जाती है।